रचकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में उबेर कैब रोबरी अफेंडर्स को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से कारें, 6 मोबाइल फोन, 1 चाकू जिनकी मजमू कीमत 8,50,000 है जब्त की गए। CCS LB नगर टीम ने पहाड़ी शरीफ पुलिस के साथ मिलकर रचकुंडा कमिश्नरेट से 2 साबिक कैब ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों ही मुलजमीन पहले कैब ड्राइवर के तौर पर काम किया करते थे। ये दोनों ही अफराद नशे के आदी थे और शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए कैब ड्राइवरों को अनजान मकाम पर ले जाकर लूट लिया करते थे। 6th नाइट बोले तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7th आता, 6th नाइट को मिडनाइट अबाउट 12:45 को ये मिर्जा आजम बेग बोल के ये ड्राइवर है, इन ऑफिस बाबा नगर में रहता, इनका कार लेके LB नगर में इंतज़ार कर रहा था। वही टाइम पे 12:45 के को कॉल आया अहमद रजा, वो कैब बुक करते ना, वो ऊबर कैब बुक कर रहे थे, उनको बोला, लोकेशन बताया तो दो मोहम्मद रजा और फखरुद्दीन बाबा बोल के दो बच्चा एयरपोर्ट जाने के लिए वो कार बुक कर रहे थे, उन्होंने LB नगर में पिक करके उनको दोनों को पैसेंजर को समझ के उन्होंने ऐसा सेम बालापुर मंदमल्लम बालापुर ऐसा पहाड़ी से बालापुर से ऐसा आके RCI रोड में से इधर वीडियो कंजंक्शन के पास आते, आने के बाद उन्होंने पेशाब करने के लिए उन्होंने जो पैसेंजर्स बोला ड्राइवर को, उन्होंने बोला आइंदा नेक्स्ट ओनली एयरपोर्ट है, नज़ीक है, वहाँ जाने के बाद गाड़ी रोकते बोले तो उन्होंने नहीं रोका। उन्होंने एक साइड पे बैठा था और पीछे एक आदमी बैठा था, उनको ज़बरदस्ती उनको खींच के एक चाकू से उनको ड्राइवर को इंजरी करके उनको मार के कार में सुतार देके उनका सेलफोन कार लेके भाग गया। उन्होंने जो इंजर्ड कंप्लेंट मिर्जा आजम बेग सीधा एक गाड़ी पकड़ के वो ट्राई करा उन गाड़ी पकड़ने के बाद उसको चेस करने के लिए, मगर उन्होंने गाड़ी के साथ सेलफोन चोरी करके इनको मार के चले गया था। उन्होंने कई दूसरा पैसेंजर्स हेल्प लेके एयरपोर्ट जाने के बाद एयरपोर्ट में उनका फ्रेंड्स को डिस्कस करे तो उन्होंने अपने व्हाट्सअप करा, व्हाट्सअप करने के बाद उन्होंने घर को चले गया, ट्रीटमेंट कर लिया। सुबह मॉर्निंग मेरे को ऑटोमेटिक यूट्यूब व्हाट्सअप कर लेते ना, ट्विटर में पोस्ट लगा उन्होंने कोई पुलिस एक्शन लेने के बोल का। मॉर्निंग में हमारे पुलिस स्टेशन को पहाड़ी शरीफ आके कंप्लेंट करे तो क्राइम नंबर 208/2023 अंडर सेक्शन 394 रॉबरी सेक्शन में केस रजिस्टर हो गया। रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में उनका ऑलरेडी ऊबर में बुक करने के बाद नंबर आता ना, नंबर के साथ चेक करे तो उनका एड्रेस वहाँ मिला, अपने जगतगिरुटा KPH तरफ एड्रेस मिला। वो KPH तरफ एड्रेस मिलने के बाद हमारा टीम्स और इसके इसमें केसेस में हमारा CCS टीम अपने रचकुंडा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करके हमारे भी साथ में लेके उनको ट्रैक करने के लिए टीम्स लगा के कोशिश करा। ये इन्वेस्टिगेशन में सुबह उनको वहाँ घर को जाके दोनों को मोहम्मद रजा अहमद रजा को और फखरुद्दीन बाबा है दोनों को, एक तो इन वेस्ट बंगाल के A1 मोहम्मद अहमद रजा वेस्ट बंगाल के और फखरुद्दीन बाबा इन कर्नाटक है, दोनों भी साथ में फ्रेंड्स हो गया। फ्रेंड्स होने के बाद ऐसा चोरियां कर रहे और ये ऑफेंस करने के बाद भी एक राजेंद्र नगर में भी एक ड्राइवर के साथ क्राइम नंबर 430/2023 अंडर सेक्शन 38 IPC में वारायनर में सेलफोन्स वहाँ भी चोरी करा, साथ ही ड्राइवरों को डुबा के हम भी ड्राइवर साहब बल्कि उनको ऐसा चीटिंग करके वहाँ के भी सेलफोन वो भी रिकवरी करा। पूरा इसके दोनों को अरेस्ट कर दिया, इनके पास जो चाकू रिकवरी करा, वो जो इंजरी करे थे और इसके सेलफोन्स यहाँ हमारे सेलफोन वो बच्चा का सेलफोन कार भी रिकवरी कर दिया वो विक्टिम का और रायनर का भी सेलफोन्स रिकवरी करके आज उनको कोर्ट में पेश करेंगे। और उनको TI पर भी रहते केवल तो मीडिया के सामने नहीं आ सकते, उनको प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन प्रॉब्लम होता है, उनको सजा करने के लिए प्रॉब्लम होता नहीं हो, इसीलिए हम हमारे से बस ये प्रेस नोट पहले कुछ केसेस है। हाँ, A1 तो रायनर केसेस में है, ये ऑलरेडी ये ऑफेंस करने के बाद वो सेलफोन्स भी चोरी करा, वो भी केसेस है इसके ऊपर और भी पुलिस कस्टडी लेके पूरा डिटेल इंट्रैक्शन में इनका क्या ऑफेंस है, इन्हों कर्नाटक है और एक A1 वेस्ट बंगाल के, इनका पूरा इंट्रैक्शन में मिलना है। गैंग तो अभी तो दोनों ज कर रहे हैं साथ में, अभी एक केस तो हमारे कन्फ्यूज कर कबूल करे वो केस में भी रिकवर करा और पुलिस कस्ट लेने के बाद डिटेल इंटरेक्शन होता। सर रीजन क्या था लोग ये करने का?
रीजन क्या, बस चोरी करना, पैसा लेना, लूट लेना, एंजॉय करना, और क्या रहता है रीजन? चोरों को अननेसेसरी विक्टिम को मार के चले गए तो पर नहीं, मगर चाकू से मारा, लकीली बच गया उन्हों, अगर अगर कुछ होगा तो उसका फैमिली का अपन कुछ नहीं। रॉबरी 394 सर, ये पहाड़ी शरीफ पीएस लिक्विड में क्या पेट्रोलिंग क्या कमजोर है आप लोगों की, जो पेट्रोलिंग नहीं होने की वजह से ऐसे आए दिन वार? कैसे मालूम रहते, विक्टिम भी सोचते नहीं, मैं भी विक्टिम को एक ऊबर कैब बुक करता हूँ, मैं भी जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ उनको क्या मालूम रहता, पुलिस के क्या? अरे हमेशा एयरपोर्ट रोड में से जितने भी कैब ड्राइवर जाते रहते हैं, मगर हर एक कैब ड्राइवर को ऐसा नहीं करते, नहीं चोर इंटेंशनली, उनका दिल में क्या है अपने क्या मालूम रहता, पुलिस को तो नहीं मालूम रहता, हर एक गाड़ी चेक करके पैसेंजर सही है ड्राइवर सही है नहीं पूछ सकते ना, इट तो गलत है। यू आर डूइंग अच्छा पेट्रोलिंग कर रहे, पब्लिक हेल्प करने के लिए हम यहाँ पे भी अच्छा पुलिसिंग करने के लिए डिवीजन आ गया। कहते हैं गिजा और जेके का संगम जहाँ हो, बात तो वहीं मनती है। पिस्ता हाउस हलीम, बेहतरीन गोश और असली मसालों का मिलन आपको बेखरार कर देगा। इसमें कई किस्मों की दालें और मेवों के राबते से आपके जिस्म को ताकत और इम्यूनिटी मिले। जायका, वो जो जबान से उतरते ही ऐसे घुले मिले कि दिल भर दे। हैदराबाद की सबसे मशहूर हली, और हर बार की तरह इस बार भी यही कोशिश है कि पिस्ता हाउस की हलीम इस रमजान भी आपके दस्तरखान की जीनत बनी रहे।